सोलन में प्रदेश की कंप्यूटर प्रोफेशनल एसोसिएशन द्वारा एक बैठक आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता कंप्यूटर प्रोफेशनल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पीयूष सेवल ने की। पीयूष ने इस मौके पर बताया कि वे अन्य राज्यों की तुलना में आईटी क्षेत्र में बहुत अधिक पिछड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि आईटी क्षेत्र में हिमाचल के युवा अपने स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और तरक्की की ऊंचाइयां भी छू रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश आईटी जगत में बहुत पिछड़ा हुआ है, जिसमें सुधार की बेहद आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से प्रदेश में कंप्यूटर प्रोफेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखी जाएंगी और आईटी क्षेत्र को विकसित करने का भी आग्रह किया जाएगा। कंप्यूटर प्रोफेशनल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पीयूष सेवल ने जानकारी देते हुए बताया कि आईटी क्षेत्र के माध्यम से देश की जीडीपी 8% योगदान प्राप्त कर रही है, जो वर्ष 2025 तक 10% तक पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन हिमाचल में जहां करीब 40,000 आईटी प्रोफेशनल हैं, लेकिन विडंबना है कि प्रदेश में अभी तक कोई आईटी सेक्टर नहीं है, जिसके कारण आज कंप्यूटर प्रोफेशनल बेरोजगार बैठे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि प्रदेश में पहली कक्षा से कंप्यूटर की शिक्षा स्टार्ट की जाए, कॉलेज में भी कंप्यूटर की शिक्षा देने की आवश्यकता है। जो बेरोजगार हैं, उन्हें सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते प्रदेश की आय का साधन पर्यटन बेहद प्रभावित हुआ है, और अगर आईटी सेक्टर होता तो प्रदेश की आय में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए प्रदेश में आईटी पार्क की भी स्थापना की जानी चाहिए, ताकि युवा अपने पैरों पर खड़े होकर प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ कर सकें। आप सभी के संज्ञान में मैं लाना चाहूंगा कि आज भी हमारे देश के अंदर जीडीपी का जो 8% शेयर है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, जो कि वर्ष 2025 तक बढ़कर लगभग 10% हो जाएगा। अगर हम राज्यों की बात करें तो कर्नाटका के अंदर लगभग 25% जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर का है, और उसमें से अकेला 98% बेंगलोर जो है वो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है कर्नाटका की। अभी आपने देखा होगा कि एनआईटी हमीरपुर के जो प्लेसमेंट के रिकॉर्ड आपने देखे हैं कि निशांत हांडा जी, जिनको 1.5 करोड़ का पैकेज ऑफर किया गया है, साभ्या जी हैं राजगढ़ से, जिला सिरमौर से 1.2 करोड़ का पैकेज उनको आईटी सेक्टर के अंदर मिला है। इसके साथ साथ प्रतीक जी, उनको भी 1 करोड़ से ऊपर का पैकेज मिला है। तो ये आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि इस सेक्टर के अंदर कितना स्कोप है। वहीं अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश के अंदर युवाओं को इस क्षेत्र के अंदर रोजगार के अवसर ना के बराबर मुहैया करवाए जा रहे हैं। तो हमारी मुख्य मांगे इसमें सरकार से यही हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा से ही, पहली क्लास से ही कंप्यूटर की शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा के साथ जोड़ा जाए। कॉलेज स्तर के साथ, कॉलेज स्तर के ऊपर भी बीए, बीएससी, बीकॉम जितनी आसानी से हमारे छात्र कर रहे हैं, उतनी आसानी से कंप्यूटर की शिक्षा भी उनको प्रदान की जाए। यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर भी कंप्यूटर की एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाए। वहीं रिक्रूटमेंट की अगर मैं बात करूं तो सरकारी क्षेत्र के अंदर अध्यापकों की नियुक्ति इसके अंदर की जाए, चाहे वो स्कूल हों, चाहे कॉलेजेस हों, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हों। और तीसरी जो हमारी मुख्य मांग है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर भी आईटी पार्क की स्थापना की जाए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाएँ, ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े। और एक दूसरी बात जो मैं आप सभी के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा कि वर्तमान में हमारा प्रदेश लगभग 62,000 करोड़ के ऋण के नीचे दबा हुआ है। अगर यहाँ के आय के मुख्य स्रोतों की हम बात करें तो पर्यटन क्षेत्र कोरोना की वजह से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कृषि की बात करें, बागवानी की बात करें, तो कोरोना की मार इस क्षेत्र के ऊपर भी पड़ी है, और आप सभी जानते हैं कि लगभग 500 करोड़ का नुकसान इस वर्ष बागवानी के क्षेत्र में भी उठाना पड़ा है। तो इस समय में हमारे प्रदेश के अंदर अगर सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जाए तो न केवल यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी। और आने वाले समय के अंदर हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर आईटी सेक्टर को प्रमोट किया जाए तो ये जो कर्ज का बोझ है ये भी हटेगा, हमारे प्रदेश की आर्थिकी के अंदर भी सुधार होगा, और इसके साथ साथ जो यहाँ के युवा हैं उनको रोजगार भी प्राप्त होगा और रोजगार के लिए बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। तो इन सभी मुद्दों को लेकर इस एसोसिएशन का गठन किया गया है, और यही हमारी मुख्य मांगे हैं जो आने वाले समय के अंदर हम माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री जी और उद्योग मंत्री जी के माध्यम से उनके संज्ञान में लेकर आएंगे, ताकि इस क्षेत्र में सकारात्मक कदम उठाए जा सकें।